चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फ्रेंच बीन की सूखी सब्जी बनाएंगे। फ्रेंच बीन की सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसका बनाना भी बहुत आसान है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। फ्रेंच बीन्स 250 ग्राम, आलू 2 कटे हुए, सरसों का तेल 2 टेबल स्पून, जीरा आधी टी स्पून, हींग 2 पिंच, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधी टीस्पून, धनिया पाउडर आधी टीस्पून, अमचूर पाउडर आधी टीस्पून, गरम मसाला 1 चौथाई टीस्पून, हल्दी पाउडर आधी टीस्पून, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, हरा धनिया 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। फ्रेंच बीन को धो लिया है, अब इनको काटेंगे। बीन्स को आधी इंच में काट लिया है, आलू को भी आधी इंच में काट लिया है, अब इनको छौंकेंगे। कुकर गर्म हो चुका है, अब सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद छौंकेंगे। इस तरह से करने से सरसों के तेल की महक निकल जाती है। ठंडा होने के बाद फिर दोबारा गैस को जलाएंगे। तेल ठंडा होने के बाद जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, इसको भून लेंगे। गैस को कम रखेंगे जिससे जली नहीं। अब इसमें फली डालेंगे, आलू डालेंगे और इसको भून लेंगे। गैस को तेज कर लेंगे, इसे 1-2 मिनट भूनेंगे। कुकर में हल्की सी सीटी आने पर गैस बंद कर देंगे। स्टीम निकलने के बाद कुकर खोलेंगे। अब कुकर को खोल देंगे, गैस जला देंगे। देख रहे हैं गल चुकी है। गैस तेज करके इसका पानी को जलाएंगे। पानी सूख चुका है, अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अमचूर पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है, इसमें हरा धनिया डालेंगे, सब्जी बनके तैयार है। अब इसे बाउल में निकालेंगे। स्वादिष्ट गर्मा गर्म फ्रेंच बीन की सब्जी बनकर तैयार है। इस सब्जी को चपाती, पराठे, चावल के साथ बनाइए, खिलाइए और खाइए। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज़ बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।